आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी शहर में क्या चल रहा है ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए, एक युवक एक महिला के करीब सुबह सवेरे पहुंचता है, आंखों में मिर्ची झोंकता है और गले से चैन लेकर वो फरार हो जाता है। ये सीसीटीवी फुटेज समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के हाथ लगे हैं। सिवनी में किस तरह की पुलिसिंग हो रही है इसकी एक वानगी यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। महिला उसके पीछे दौड़ती नजर आ रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दरअसल ये पूरा मामला 22 जून 2024 का है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा इस संबंध में खबर का प्रसारण भी किया गया था। 5:49:32 ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक युवक काले रंग के कपड़े पहने हुए इस तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। युवक के द्वारा 2 से 3 चक्कर यहाँ लगाए गए और एक कार खड़ी आपको दिखाई दे रही होगी। ये स्कूटर जहाँ पहुँची ये देखिए, वो युवक कार के पास पहुँचा, वहीं एक महिला अधेड़ महिला फूल तोड़ रही थी। सुबह सवेरे 5:49 का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। 22 जून का कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना नहीं मिल पाई होगी, निश्चित तौर पर नहीं, क्योंकि इस तरीके की घटनाओं में पुलिस के झमेले में लोग पड़ने से बचना चाहते हैं, इस तरीके की एक आम धारणा बन चुकी है। ये युवक आपको आता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा होगा और इसी युवक के द्वारा इस काम को अंजाम दिया गया है। पैदल घूम रहा है ये युवक और अब एक बार फिर वापस जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। सिवनी में किस तरह की पुलिसिंग हो रही है, यहाँ जो हरियाली दिख रही है, झाड़ आपको दिख रहे होंगे राइट हैंड साइड तरफ, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज की बाउंड्री आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। सुबह हल्का फुल्का यहाँ ट्रैफिक नज़र आ रहा है और यहाँ जो घटना स्थल है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा ये भी बताया गया था घटना स्थल कहाँ है, और घटना स्थल पर मिर्ची के निशान, मिर्ची के पाउडर पड़ा हुआ भी दिखाई दिया था। इस संबंध में कोतवाली पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। संभवतः इस संबंध में कोतवाली पुलिस भी किसी की सूचना, किसी के द्वारा आवेदन दिए जाने पर का इंतजार कर रही होगी। पुलिस सूत्रों ने, कोतवाली पुलिस सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि दरअसल सिवनी में गश्त जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से गश्त नहीं हो पा रही है। पूर्व पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के कार्यकाल में जिस तरीके की पुलिसिंग हो रही थी, उस पुलिसिंग को लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा सराहा नहीं गया था। लंबा समय हो गया है, एके पांडे जब यहाँ पर अवध किशोर पांडे सिवनी में पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे, तब पुलिसिंग इतनी सख्त हुआ करती थी। उसके पहले रमन सिंह सिकरवार, उसके पहले शैलेश सिंह, राजीव श्रीवास्तव, कुछ ऐसे नाम हैं जिला पुलिस अधीक्षकों के जब पुलिसिंग बहुत ज़्यादा सख्त हुआ करती थी। यहाँ एक बार फिर हम आपको दिखाएं, युवक पुराने एमपीबी ऑफिस तक पहुंच गया, वहाँ से फिर वो वापस लौट रहा है। सीसीटीवी कैमरे चूँकि यहाँ लगे हुए हैं, सीसीटीवी के फुटेज से ये चीज़ स्पष्ट हो पाई है कि युवक के द्वारा ये घटना कारित की गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये वापस लौट रहा है युवक, युवक के द्वारा 3-4 चक्कर वहाँ पर लगाए गए और जो आपको पेड़ों के पीछे झुरमुट के पीछे एक भवन दिखाई दे रहा होगा, वो गर्ल्स कॉलेज का, माफ़ कीजिएगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल है। किस तरह की सुरक्षा यहाँ पर है गर्ल्स हॉस्टल के पास, इसको भी ये रेखांकित करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। वो महिला कार के पास वहाँ पर फूल तोड़ रही हैं और ये युवक धीरे धीरे रैकी करता हुआ प्रतीत हो रहा है। पुलिस की सूचना संकलन किस तरह का ये देखिए, एक बार फिर ये युवक वापस लौटता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। युवक के द्वारा ये घटना पुराना एमपीबी ऑफिस और राय किराना स्टोर्स के बीच में पॉलिटेक्निक के सेवानिवृत्त प्रोफेसर बघेल के निवास के ठीक सामने ये घटना घटी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। देखिए, ये युवक यहाँ से चूँकि एक स्कूटर आ रही थी तो आगे बढ़ गया और वो महिला भी आपको वहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। ये युवक उसके बाद तुरंत वहाँ से महिला की ओर जाता है। देखिए,
महिला वहां पर खड़ी हुई है और ये तेजी से महिला की तरफ गया। आंखों हाथ में उसके मिर्ची का पाउडर था जैसा वहां प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। और ये यहां से उसने मंगलसूत्र या गले की चैन छुड़ाई और सीधे उसके द्वारा यहां से दौड़ लगा दी गई। ये देखिए ये घटना पूरी यहां पर घटित हुई। महिला उसके पीछे दौड़ती हुई भी दिखाई दे रही हैं। ये देखिए कि युवक कितनी तेजी से भागा, पीछे भी एक युवक कोई निकल के सामने आया। और एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं युवक किस तरह से पहुंचा। दरअसल पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये देखिए एक बार फिर युवक वहां पहुंचता है, आँखों में मिर्ची वहां फेंकता है और ये इसने वहां से उनके गले से मंगलसूत्र या चैन छुड़ाई और चैन छुड़ा कर 9-2-11 हो गया है। दरअसल समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया लगातार इस बारे में लगातार ही प्रशासन और पुलिस का ध्यान पूर्व जिलाधिकारी और पूर्व पुलिस अधीक्षक निवृत्तमान जिलाधिकारी क्षितिज सिंगल और निवृत्तमान पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह का ध्यान इस ओर आकर्षित कराते आया है कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया ने प्रमाण के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज का मैदान को मैखाना बनने की बात लगातार ही प्रकाश में लाई जाती रही, पर ना ही जिला पुलिस अधीक्षक, ना ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ना ही अनुभागीय अधिकारी पुलिस और ना ही कोतवाली पुलिस के नगर कोतवाल इस दिशा में संजीदा होते नजर आए। महिलाओं में सुबह जो महिलाएं घूमती हैं उनके बीच जो चर्चाएं चल रही हैं कि वे अब मोबाइल लेकर भी घर से निकलने में डरने लगी हैं। जिस तरीके की बात सुबह, अगर आप सुबह सवेरे सैर को जाते हैं तो आप महिलाओं के बीच में या पुरुषों के बीच में बात सुन सकते हैं। पुरुषों का कहना है कि वे अपनी महिलाओं को मना करते हैं कि घर से मोबाइल लेकर भी ना जाएं, क्योंकि मोबाइल भी छुड़ाए जा सकते हैं। जब यहाँ देखिए इस सड़क पर, इतनी चौड़ी सड़क पर, आबादी वाले क्षेत्र में इतनी हिम्मत किसी के द्वारा अगर कर की जा रही है तो उस आप समझ सकते हैं कि जरायम पेशा लोगों के, अपराधी तत्वों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं। 5:50:25 हुआ है 22 जून 2024 का ये नज़ारा। सिवनी में कानून का खौफ कितना रह गया है इस बारे में भी रेखांकित करता नजर आता है ये पूरा मामला। दरअसल ज़रूरत है पुलिसिंग में सख्ती लाने की। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये एक सीसीटीवी फुटेज हाथ आया है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के, और पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, कोतवाली पुलिस को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। और किसके द्वारा ये घटना कारित की गई है, 22 तारीख की ये घटना है और 28 तारीख हो चुकी है, अर्थात लगभग 6 दिन बीत चुके हैं इस घटना के, और अभी तक इस घटना के बारे में कोतवाली पुलिस के द्वारा कोई हरकत कोतवाली पुलिस में नहीं दिखाई दे रही। एक बार फिर दिखाते हैं, देखिए वो दौड़कर गया और उसने जाकर महिला की आंखों में मिर्ची झोंकी और ये लेकर फरार हो गया महिला की गली की चैन। सिवनी में कानून का खौफ कितना है इस बारे में रेखांकित करने के लिए ये एक छोटा सा वीडियो फुटेज पर्याप्त माना जा सकता है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। दरअसल पुलिसिंग को स्मार्ट बनाने की ज़रूरत है, पुलिस के सूचना संकलन को स्मार्ट बनाने की ज़रूरत है। जगह जगह हुले में, आहते में तब्दील हो गया है पूरा शहर, पूरे शहर में जगह जगह मजदे बैठे नजर आते हैं। शाम ढलते, सुबह पौफटते से शाम ढलते और रात गहराते तक मजदे सड़कों पर घूमते नजर आते हैं। पुलिस का कोई इन पर नियंत्रण नहीं रह गया है। पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर, अगर स्वयं एक समय था जब पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर भेष बदल कर निकला करते थे अपने शहर के, अपने ज़िले के हालात जानने के लिए। याद पड़ता है अंतिम बार सिवनी में जिला कलेक्टर मोहम्मद पाशा राजन ही भेष बदल कर ट्रक में बैठकर वे खवासा बॉर्डर गए थे और खवासा बॉर्डर की भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर किया था, दंडित किया था। उस समय लंबा समय बीत गया है, कोई भी पुलिस अधीक्षक, कोई भी जिला कलेक्टर अब नज़र नहीं आते हैं सड़कों पर
हालात जानने के लिए। दरअसल काम का बोझ, जो सूत्रों का कहना है कि काम का बोझ इतना ज़्यादा कर दिया गया है कि प्रशासनिक मुखिया मीटिंग बैठकों में ही उलझ कर रह जाते हैं। घर से वे निकलते हैं तो या तो भ्रमण पर निकल जाते हैं और अपने वाहन से शायद ही वे उतरते हों कहीं रास्ते में देखने के लिए। उसके अलावा कभी बाज़ार में ज़मीनी हालात लेने के लिए मोहल्लों में कभी भी जाते आते नज़र नहीं आते हैं। ये इसे बदलने की बहुत ज़रूरत है। उस सब के लिए जिम्मेदार स्थानीय सांसद, विधायक, सत्ताधारी दलों के अध्यक्ष, चाहे विपक्ष हो चाहे विपक्ष, उन्हें भी आगे आना होगा, क्योंकि ये शहर उनका, ये ज़िला उनका है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इस तरीके की घटनाएं ये देखिए एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं। दौड़ कर युवक पहुंचता है, आंखों में मिर्ची झोंकता है और झोंक कर बाहर उसकी चैन लेकर युवक फरार हो जाता है। युवक भागता है और भागकर पवार समाज भवन के आसपास पहुंचकर ओझल हो जाता है। इस बारे में देखने सुनने की ज़रूरत है, पता साझी करने की ज़रूरत है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।